क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा दसवीं प्रश्नावली 3.3 पार्ट 3 का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम कहेंगे माना माना बड़ी संख्या एक्स है, माना बड़ी संख्या बराबर एक्स है, माना बड़ी संख्या एक्स है, और तथा छोटी संख्या बराबर वाई है, तथा छोटी संख्या बराबर वाई है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, दो संख्याओं का अंतर 26। तो हम कहेंगे पहली संख्या x, दूसरी संख्या y का अंतर 26, तो इससे हमको समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहेगा बेटा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब एक्स जो है बराबर हो जाएगा 3 गुणित y, ये द्वितीय शर्त हो गया, 3 गुनी है, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण एक में रखने पर समीकरण नंबर 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3y, यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ समीकरण x माइनस y बराबर का 26, तो ये हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 का y माइनस का y बराबर का 26, है ना। तो 3y में से 1y घटेगा, तो ये 2y आ जाएगा बराबर का 26 हो गया, y बराबर हो जाएगा 26/2, ये 2 एकम 2 और 2 3 6, y का मान 13 आ जाएगा। y का मान 13 होगा। अब इधर आगे देखते हैं, y का मान 13 हो गया। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है वहां पे y का मान रख देते हैं, तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, x = 3/13, तो x = 13 कितना होता है बेटा, 13 * 39 हो जाएगा, 13 * 39, 13 का पढ़ 3 बार पढ़ो तो 39 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थ्री समाप्त होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थ्री को हल करना है। थैंक यू।